देश देख रहा है पहाड़ी फाइटर्स का पावर गेम। गढ़वाल के दिगंबर सिंह रावत और अमरिंदर बिष्ट, पहाड़ के दो फाइटरों ने नेशनल लेवल पर मचा दी धूम। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में विरोधियों को किया चारों खाने चित। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। आज बात पहाड़ के दो फाइटर्स की। इनके नाम हैं दिगंबर सिंह रावत और अमरिंदर बिष्ट। दोनों ही उत्तराखंड के सुदूर गांवों से ताल्लुक रखते हैं। गांवों से निकलकर इन फाइटर्स ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को चुना और उसमें ही अपना करियर बनाया। आज दोनों फाइटर्स दहाड़ रहे हैं और देश इनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे को देख रहा है। नोएडा में आयोजित मैट्रिक्स फाइट नाइट में उत्तराखंड के दो होनहार रेसलर्स छाए रहे। उत्तराखंड के रेसलर दिगंबर सिंह रावत और अमरिंदर बिष्ट ने मैट्रिक्स फाइट नाइट के 12वें संस्करण MFN 12 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदियों को चित कर दिया। दो महत्वपूर्ण मुकाबलों में उत्तराखंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर्स ने शानदार जीत हासिल की है। दिगंबर सिंह रावत ने अपने प्रतिद्वंदी नीरज पंघल को पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। अमरिंदर बिष्ट भी शुरू से ही अपने प्रतिद्वंदी पर हावी रहे। अमरिंदर बिष्ट ने प्रतिद्वंदी आकाश को हराकर कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। मैट्रिक्स फाइट नाइट भारत का सबसे बड़ा मिश्रित मार्शल आर्ट मुकाबला है। इसमें देश विदेश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर्स ने हिस्सा लिया। MFN 12 का आयोजन 1 जुलाई को नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया। यहां मार्शल आर्ट के प्रशंसकों को रोमांचक एक्शन और फाइट देखने का मौका मिल रहा है। MFN न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े MMA प्रमोशनों में से एक बन गया है। दिगंबर रावत 24 साल के हैं। उनका परिवार मूल रूप से आदिबद्री तहसील के आली गांव का रहने वाला है। दिगंबर के पिता की साल 2019 में मौत हो गई थी, जिसके बाद घर के हालात बिगड़ते चले गए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। थोड़े समय बाद दिगंबर अपनी बहन के साथ देहरादून आए और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तैयारी करने लगे। उनकी मेहनत का शानदार परिणाम ये रहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। दिगंबर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहनों और कोच अंगद बिष्ट को दिया है। राज्य समीक्षा की ओर से भी दिगंबर सिंह रावत और अमरिंदर बिष्ट को ढेरों शुभकामनाएं। उनकी सफलता पहाड़ के दूसरे युवाओं को कभी ना हार मानने की प्रेरणा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समीक्षा।